चैनल, हैप्पी दिवाली आप सबको। मैंने बैकग्राउंड देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ऐसे थोड़े से फ्लावर्स लगा दिए एंड हल्की सी लाइट। आपको कैसा लगा मुझे बताना, कुछ खास नहीं है इसमें, बट फेस्टिव रेडी किया है मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड को। और मैंने आज क्रिएट किया है दिवाली लुक, बहुत ही इजी एंड क्विक है ये, बहुत कम स्टेप्स के साथ है एंड बिगनर फ्रेंडली है एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ है। दिवाली में बहुत सारे काम रहते हैं, एक हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, कुकिंग भी, बच्चे भी एंड होम को डेकोरेट करना भी, सब चीज़ों को मैनेज करना भी एंड खुद को भी फेस्टिवल के लिए रेडी करना एंड बच्चों को भी रेडी करना एंड बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं रहता कि हम लंबा चौड़ा स्टेप करें एंड बहुत सारा टाइम लगा के, एफर्ट लगा के रेडी हुए। तो आज मैं एक क्विक मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, ये वाला बहुत ही कम स्टेप्स के साथ है एंड 5 मिनट्स में ही हो जाएगा देखिए, एंड एकदम फेस्टिव अप्रोप्रिएट है। मैंने ये वाली इयररिंग्स पहनी है साथ में एंड रेड ड्रेस पहना है, तो अगर आप न्यूली वेड हैं तो भी ये लुक को क्रिएट कर सकते हैं एंड फेस्टिवल्स पे भी क्रिएट कर सकते हैं। दिवाली पे करवा चौथ तो चला गया, बट अब नेक्स्ट ईयर जब करवा चौथ आएगा तब आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि रेड ड्रेस के साथ है। भाई दूज भी आने वाला है, तो जितने भी फेस्टिवल्स आने वाले हैं आप सब पे क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लेना मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो अभी मैं बिल्कुल बेयर फेस हूँ एंड फेस वॉश करके आ गई हूँ एंड एलोवेरा जेल लगाया है मैंने, हैवी मॉइस्चराइजर नहीं लगाया है। थोड़ी विंटर आ गई है बट अभी भी गर्मी हो रखी है बराबर, इसलिए मैंने हैवी मॉइस्चराइजर नहीं लगाया एंड थोड़े से डार्क सर्कल लग रहे हैं मेरे को, इसलिए मैं कलर करेक्टर की जगह एक हैक कर रही हूँ। तो आप कोई भी अपने ऑरेंज टोन वाली लिपस्टिक को ले सकते हैं एंड उसे कलर करेक्टर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑरेंज कलर करेक्टर की जगह ऑरेंज लिपस्टिक है मेरी, उसे हल्का सा लिया अंडर आई पे एंड थोड़े से माउथ के अराउंड एंड उसे हल्का सा डैब कर लिया एंड एक्सेस को कपड़े से रिमूव कर लिया। देखिए थोड़ा सा कलर करेक्टर का काम करेगा, एक है कि ये इतना अच्छा वर्क नहीं भी कर सकता ये, बट अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, मैं भी कई बार करती हूँ। एंड उसके बाद कंसीलर लेके मैं अंडर आई एरिया पे एंड माउथ के अराउंड ही अगेन उसे डैब कर ले रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने लिया है बीबी क्रीम, मैं बहुत हैवी बेस नहीं बनाती पर्सनली एंड मैं अपने ट्यूटोरियल्स में भी नहीं डालती हैवी बेस का, तो मैं बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो एंड ये फेस्टिवल मेकअप है इसलिए मैं बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो मैं इसको अवॉइड करती हूँ जनरली। एंड अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, मैंने फिंगर से ही कर लिया, देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है एंड मेरे लिए एकदम नेचुरल दिखने वाला बेस रेडी हो गया है, फेस्टिव रेडी। देखिए अंडर आई एरिया भी अच्छी तरह से कंसील हो गया, डार्क स्पॉट इतने ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो आप ये हैक ट्राई करके देखना, ये एक्चुअली वर्क करता है। एंड अपने ओपन एरिया जितने भी है नेक या ईयर पे भी आप लगा सकते हो, मेरा तो जो मैं ड्रेस पहनने वाली हूँ वो थोड़ा सा हाई नेक टाइप का, इसलिए मैंने इतना नेक एरिया को कवर नहीं किया है। एंड उसके बाद पाउडर से अच्छी तरह से सेट कर लेना है, आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। एंड अंडर आई एरिया को मैंने अच्छी तरह से सेट किया है क्योंकि वहीं पे काजल फैलने लग जाता है नहीं तो। एंड अभी मैं एकदम सिंपल सा आई शेडो लुक करने वाली हूँ क्योंकि ये फेस्टिवल रेडी है मेकअप है, इसीलिए मैंने गोल्डन कलर को पिक किया है एंड मेरे ड्रेस पे थोड़ा सा गोल्डन वर्क भी था, तो गोल्डन शिमर को लेके मैंने सिर्फ अपने आईलिड पे स्प्रेड कर लिया है एंड एट द सेम टाइम मैं अपने हायर पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे हाईलाइट करने के लिए भी उसको यूज़ कर ले रही हूँ। तो ये दोनों स्टेप फटाफट हो जाएंगे एंड आईज़ अपने बहुत ज़्यादा ब्लैंक भी नहीं लगेगी एंड आई शेडो का एक फेस्टिवल वाला लुक भी आ जाएगा, आप इसको ट्राई करके देखना अगर आप क्विक मेकअप करना चाहते हो तो। एंड क्योंकि ये फेस्टिवल है इसलिए मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, नहीं तो मैं पर्सनली काजल लगाना प्रेफर करती हूँ एंड मैं आज काजल को स्किप कर रही हूँ। तो मैंने लिया है डार्क ब्राउन कलर एंड लोअर आईलिड पे उसे ही अच्छी तरह से मर्ज कर रही हूँ मैं, तो एक ब्लेंडेड स्मोकी लुक आएगा, देखिए बहुत ही अच्छा लगता है ये स्मोकी ब्लेंडेड लुक जो रहता है। आप काजल का स्टेप बचा लोगे इससे, तो कम स्टेप्स आज फॉलो करने वाले हैं क्योंकि थोड़ा क्विक मेकअप शेयर कर रही हूँ मैं एंड दिवाली में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता। एंड मैंने कई स्टेप्स इसमें अभी भी एडिशनल बता दिए हैं जो आप स्किप कर सकते हो, लाइक कलर करेक्टर का जो स्टेप है वो ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो नहीं तो उसको स्किप कर सकते हो।
इससे आपके मेकअप के स्टेप बचेंगे एंड मेकअप भी क्विक हो जाएगा। एंड आईब्रोज़ को फिल कर लिया मैंने नेचुरली एकदम, एंड स्पूली से अच्छी तरह से कॉम कर ले रही हूँ। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको करना चाहिए आईब्रो को फिल। एंड पीछे से आपको फटाके की आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ पे फटाके जल रहे हैं। एंड आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ ये वीडियो अपलोड करने में, बट इतनी ज़्यादा बिजी थी कि कब से ये वीडियो शूट करके रखा था बट मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज तो मैंने अभी थोड़ा सा टाइम निकाला एंड सोचा एनी हाउ अभी तो अपलोड करना ही है, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा इसको बाद में अपलोड करने का, इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। एंड मैंने ये थोड़ी सी न्यूट्रिश टाइप की लिपस्टिक लगा ली एंड ये मैं अभी खुश होकर अपना मस्कारा दिखा रही हूँ क्योंकि मैं हर बार भूल जाती हूँ मस्कारा लगाना। तो आज मैंने याद कर रखा था कि मुझे मस्कारा लगाना है एंड अच्छे से मस्कारा के दो तीन कोट लगा लिए। आप चाहो तो फॉल्सेस भी लगा सकते हो क्योंकि फेस्टिवल है, बट मैं नेचुरल लुक मुझे अच्छा लगता है तो मैं नहीं लगाती, मैं मस्कारा ही लगाती हूँ। एंड अच्छी तरह से मस्कारा लगा लिया, देखिए आप डिफरेंस देखिए दोनों आइज़ पे। तो ये आई लुक कम्प्लीट हो गया है एंड मेकअप ही कम्प्लीट हो गया है, सिर्फ एक बिंदी लगा लेते हैं अभी क्योंकि फेस्टिवल के लिए रेडी हो रहे हैं एंड इंडियन गेटअप रहेगा तो बिंदी जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है बहुत ज़्यादा लुक को। तो ये गोल्डन स्टोन बिंदी ली है मैंने, बहुत सुंदर लगती है मुझे ये बिंदी। एंड ये हो गया है लुक कंप्लीट। देखिए मैंने चेंज करके आ गया है, ये रेड ड्रेस पहनी है तो आप इसको नेक्स्ट ईयर करवा चौथ में ट्राई कर सकते हैं मेकअप लुक। एंड थोड़ा सा सिंदूर लगा लेते हैं एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। समझ गए ना कि क्या करना है आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। एंड वंस अगेन।